Friends, welcome in Subhash English School to Digital Lecture. Today we are going to study about lesson 17. Here comes a letter. Students, आज हम class 3 EVS का lesson 17 Here comes a letter के बारे में study करेंगे. Look this picture, ये क्या है? Letter है. Students, जब पहले के ज़माने में telephone या फिर email वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो इस तरह से letter भेजकर अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते थे. सबसे पहले यहाँ पर एड्रेस लिखा जाता था और उसके बाद यहाँ पर जो भी हम मैसेज देना चाहते हैं वो लिखा जाता था. यहाँ पर एड्रेस जिसको हमको भेजना है उसका एड्रेस यहाँ पर लिखा जाता था. तो इस तरह से हम ये लेटर लिखकर भेजा करते थे. तो आप आज इसी लेटर के बारे में हम इस लेसन में स्टडी करेंगे कि ये लेटर हमसे क्या कह रहा है. आई एम अ लेटर रिटन विथ अ पेन एंड पेपर बाय रीना टू हर फ्रेंड अहमद. ये लेटर है और ये लेटर कह रहा है कि मैं एक लेटर हूँ और मुझे पेपर और पेन की सहायता से रीना ने लिखा है. किसके लिए? उसके फ्रेंड अहमद के लिए. आई वॉज पुट इन अ लेटर बॉक्स. द पोस्टमैन टुक मी आउट एंड पुट मी इन अ बिग बैग. टेकिंग अ राइड ऑन द पोस्टमैन्स बाइसिकल आई रीच्ड द पोस्ट ऑफिस. देयर आई वॉज टेकन आउट ऑफ द बिग बैग एंड स्टैम्प्ड हियर. द स्टैम्प वॉज ऑफ अगरतला फ्रॉम वेयर माई ट्रेवल बिगन. ये कह रहा है कि मुझे है ना उस बॉक्स में डालने के बाद मैं उस एक बड़े से मुझे ये रीना ने लेटर लिख दिया. उसके बाद मुझे कहाँ डाला? लेटर बॉक्स में डाला. वो रेड कलर का लेटर बॉक्स स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, उसको कहते हैं लेटर बॉक्स. द पोस्टमैन टुक मी आउट. पोस्टमैन ने फिर मुझे उसको कलेक्ट किया और फिर कहाँ डाला? एक बड़े से बैग में डाला. और मेरी तरह के और भी कई लेटर उसमें थे, उसको भी उन्होंने लिया और कहाँ डाला? बड़े से बैग में डाला. उसके बाद पोस्टमैन मुझे अपनी बाइसिकल पर लेकर कहाँ पहुँचा? पोस्ट ऑफिस पहुँचा. पोस्ट ऑफिस में पहुँचने के बाद मुझे क्या करा गया है? उस पर बड़े स्टाम्प लगा गए. जो जिस शहर से लेटर निकलते हैं उस शहर के स्टाम्प लगाए जाते हैं हर लेटर पर कि पता चले ये कहाँ से आया हुआ है. और वो कहाँ से चला था? अगरतला से. तो अगरतला के स्टाम्प उस लेटर पर लगाए गए और मेरी यात्रा यहाँ से शुरू होती. आफ्टर गेटिंग स्टैम्प्ड आई रीच्ड अनादर बिग बैग. देन सॉरी दिस बैग हैड मैनी मोर लेटर्स ऑल हेडिंग फॉर दिल्ली. द रेड पोस्टल वैन ड्रॉप्ड मी एट द रेलवे स्टेशन. देयर आई गोट इन टू अ ट्रेन गोइंग टू दिल्ली. उसके बाद जब मेरे को स्टाम्प लग गया उसके बाद मैं एक बड़े से बैग में डाला गया. उसके बड़ा सा बैग फिर क्या करा? बहुत सारे उसमें और भी मेरी तरह के कई लेटर उसमें डाले गए जो कि दिल्ली जाने वाले थे. और मुझे जो रेड एक वैन आती है रेड कलर की उसके उसमें स्टेशन तक ले जाया गया. सारे से एक बड़े से थैले बना लिए जाते हैं अलग अलग सिटियों के लिए कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ. जैसे दिल्ली के लिए अलग, मुंबई के लिए अलग. सारे लेटर छाँटने के बाद उनको अलग अलग थैलों में पैक कर दिया जाता है और जो ट्रेन जहाँ जाती है उसको उसमें पहुँचा दिया जाता है. तो ये दिल्ली जाने वाला था लेटर, तो इसको क्या करा? दिल्ली की ट्रेन में इस थैलों को वापस भेज दिया गया. तो वो ट्रेन दिल्ली गई. आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 5 to 6 डेज आई रीच्ड दिल्ली. आई वॉज स्टार्टेड एज पर द एरिया मेंशन्ड इन द एड्रेस रिटन ऑन मी. वन मोर स्टाम्प्स वॉज पुट ऑन मी. फाइनली द पोस्टमैन ड्रॉप्ड मी एट अहमद्स हाउस. मेरा जब जर्नी शुरू हुई तो 5 या 6 दिन की मेरी जर्नी थी. उसके बाद में कहाँ पहुँचा? दिल्ली पहुँचा. और फिर मेरे को मेंशन वापस से अलग कर दिया गया. जैसे कि मैं पोस्ट ऑफिस दिल्ली के पोस्ट ऑफिस वो लेटर पहुँचा और वहाँ पर वापस एड्रेस वाइज मतलब जैसे कोई अलग अलग मोहल्ले होते हैं, अलग अलग सिटियाँ होती, तो उस एक के अकॉर्डिंग अलग अलग सारी चिट्ठियों को अलग कर दिया गया. और फिर उसके बाद वापस वहाँ के दिल्ली के स्टाम्प्स लगे और फाइनली फिर वो जो पोस्टमैन था उसने उसको अहमद के घर पहुँचा दिया. Given below is the journey of a letter shown through pictures. The pictures are not in a sequence. Arrange these to get the correct sequence by putting number in the circle. यहाँ students यहाँ पर ये पिक्चर दे रखी है जो कि लेटर के बारे में कि फर्स्ट स्टेप पे लेटर क्या करता है, फिर सेकेंड पे क्या. तो ये जो है पिक्चर ये सिक्वेंस में नहीं है, तो हमको इसके नंबर सिक्वेंस में करना है. तो सबसे पहले क्या रीना ने लेटर लिखा, तो ये क्या आ जाएगा? फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा. सेकेंड नंबर पर फिर रीना क्या करती है? उसको पोस्ट बॉक्स में डालती
आती है, तो ये कौन सी पिक्चर आ जाएगी, सेकेंड नंबर पे आ जाएगी। थर्ड नंबर पे क्या करता है, पोस्टमैन उसको कलेक्ट करता है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे उस पर क्या लगता है, स्टाम्प लगता है। फिर फिफ्थ नंबर आता है, उस पर स्टाम्प लगने के बाद फिर वो क्या होते हैं, अलग अलग छटते सिटी, जैसे दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए अलग अलग लेटरों को उनको छाटा जाता है। इस तरह से ये लेडीज़ छाट रही है अलग अलग लेटरों को। उसके बाद दिल्ली के जो लेटर थे वो एक बैग में कलेक्ट करके इस तरह से पैक कर दिए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो पैकिंग फिर दिल्ली पहुँचती है। उसके बाद वो पोस्टमैन जहाँ पर लेटर भेजना है वहाँ पर वो डाल देता है, और फाइनली अहमद के पास लेटर पहुँच जाता है। तो इस तरह से ये सिक्वेंस वाइज हमने पिक्चर को जमाया है। What is this? What are Razia and her appa saying to each other about letter? ये क्या, देखो रजिया और उसकी आपा दोनों आपस में बातें कर रहे हैं लेटर के बारे में। आपा, Do you know today we learn about the journey of a letter in the class? I want to write a letter to Nani. वो क्या बोलती है कि आज मैंने क्लास में लेटर के बारे में पढ़ा, लेटर की जर्नी के बारे में पढ़ा, और मैं अब अपनी नानी को लेटर लिखना चाहती हूँ। You can write a letter. I am going to make a फ़ोन कॉल। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन आल्सो कम अलोन। वो क्या बोलती है कि तुम लेटर लिखना लिख सकती हो, लेकिन मैं तो क्या करूँगी, फ़ोन कॉल ही करने जा रही हूँ, तो अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम जो करना चाहो वो कर सकती हो। स्टूडेंट्स, पहले के ज़माने में फ़ोन कॉल्स नहीं हुआ करते थे, मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो लेटर के माध्यम से हम अपनी एक बातें एक दूसरे तक पहुँचाते थे। लेकिन अब तो बहुत ही सुविधा हो गई है, सारी चीज़ें हो गई है, मोबाइल आ गए हैं, तो हम अपनी बात एक सेकंड में इधर से उधर तक पहुंचा सकते हैं। तो वो क्या कह रही है कि तुम लेटर लिखो, मैं तो फ़ोन कॉल ही करूँगी। तो रजिया एंड आपा वेंट आउट टू मेक अ फ़ोन कॉल फ्रॉम अ शॉप इन द विलेज। आपा डिलाइटेड द फ़ोन नंबर एंड बोथ ऑफ देम टॉक्ड टू नानी। दे गेव मनी टू द शॉपकीपर एंड रिटर्न होम हैप्पीली। पहले क्या है, फ़ोन होते थे, फ़ोन बूथ होते थे, वहाँ पर हम जाते थे फ़ोन करने के लिए, तो हमको वहाँ पर उसके पैसे देना पड़ते थे। तो वो जाते हैं दोनों और फ़ोन कॉल करते हैं, और जब वो फ़ोन अपनी नानी से बात कर लेते हैं तो वो दोनों शॉपकीपर को पैसे देके वापस से घर आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, देखा आपने कि लेटर, हम अपनी बात लेटर के द्वारा अगर पहुंचाते हैं तो कितने समय लगता है, लेकिन हम अगर मोबाइल और फ़ोन के द्वारा अगर अपनी बात पहुँचाते हैं तो बहुत ही जल्दी हमारी बात एक दूसरे तक पहुँच जाती है। Make your own telephone. अब हम टेलीफोन बनाना सीखते हैं। देखो, For this you need two empty matchbox और ice cream cups and thread. आपको क्या करना है कि जो माचिस के बॉक्स होते हैं वो लेना है दो, और क्या लेना है, आइसक्रीम के कप्स लेना है और थ्रेड लेना है। अब एंड होल्स इन बोथ द मैच बॉक्स और आइसक्रीम कप्स। मैच बॉक्स में और आइसक्रीम कप्स में होल करना है। पास इन थ्रेड्स थ्रू बोथ द होल्स। टी नोट्स ऑन बोर्ड्स द एंड्स ऑफ द थ्रेड। योर टेलीफोन इज नाउ रेडी। आस्क योर फ्रेंड टू पुट एंड ऑफ द टेलीफोन नेक्स्ट टू हिज ईयर एंड यू होल्ड द अदर एंड क्लोज टू योर माउथ। टेक केयर दैट द थ्रेड रिमेंड्स स्टार्ट स्ट्रेस्ड एंड डज नॉट टच एनीवेयर स्टार्ट टॉकिंग। आपको दो मैच बॉक्स लेके उनमें होल करने हैं, और आइसक्रीम कप्स लेके भी उनमें होल करना है, और एक थ्रेड के माध्यम से बांधना है, और उसमें क्या करनी है, नोट लगानी है। फिर आप अपने फ्रेंड्स को एक हिस्सा देंगे और दूसरा हिस्सा आप अपने पास रखेंगे, और अपने दोस्त को कहेंगे कि वो अपने ईयर पर लगाए और आप अपने माउथ पर लगाएंगे। देखिए कि आपकी बात उन तक पहुँचती है या नहीं उस थ्रेड के माध्यम से। स्टूडेंट्स, हमने अभी लेसन 17 हियर कम्स अ लेटर का को लेसन को रीड किया, और देखा किस तरह से लेटर अपने स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो इस लेसन में हमने ये रीड किया है, एक्सप्लेन किया है। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मीनिंग। फर्स्ट है ऑर्डर मीन्स हुक्म, डिस्टेंशन मीन्स यात्रा का अंत या मंजिल, इन स्टेड मीन्स तुरंत, डिलीवर मीन्स सौंपना, रिलेटिव मीन्स रिश्तेदार, फॉरवर्ड मीन्स आगे की ओर, मैसेज मीन्स संदेश, कैश मीन्स पेटी। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। अ लेटर रिटन विथ, किसके साथ पेन लेटर लिखा जाता है,
पेन के साथ। थ्रो इन अ लेटर बॉक्स, लेटर बॉक्स में हम क्या थ्रो करते हैं, लेटर या टॉय, तो ये लेटर। पोस्टमैन रीच्ड द पोस्ट ऑफिस। रजिया एंड आपा गेव टू द शॉपकीपर, शॉपकीपर को क्या दिया था रजिया और आपा ने, मनी। राइट ट्रू और फॉल्स, रीना डिड नॉट राइट अ लेटर टू अमित, तो रीना ने तो लेटर लिखा था तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ड्रॉप योर लेटर इन द लेटर बॉक्स, हम लेटर बॉक्स को, सॉरी लेटर को लेटर बॉक्स में ड्रॉप करते हैं, यस। रजिया एंड आपा वेंट आउट टू मेक अ फोन कॉल, फोन कॉल करने के लिए गए थे, तो इसमें भी क्या आएगा, यस ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर इन वन वर्ड, हु रॉट अ लेटर टू अमित, किसने लिखा था अमित को लेटर, तो रीना ने, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेटर है स्टैम्प्स ऑन देम, कौन से लेटर पर स्टैम्प लगाए जाते हैं, तो सभी लेटरों पर स्टैम्प लगाए जाते हैं, तो ऑल आएगा। हैव यू सीन स्टैम्प्स ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑन देम लेटर्स, क्या आपने पोस्ट ऑफिस में किसी लेटर पर स्टैम्प लगते हुए देखा है, तो यस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आर ऑल स्टैम्प्स सिमिलर, वॉट आर द डिफरेंसेस, क्या सभी स्टाम्प जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं और नहीं होते हैं, तो उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो द पिक्चर एंड डिज़ाइन ऑफ ऑल पोस्टेज स्टाम्प्स आर डिफरेंट, तो उसमें क्या डिफरेंट होता है कि उनकी डिज़ाइन और उनकी पिक्चर में डिफरेंट होते हैं। वेयर ऑल हैव यू सीन टेलीफोन, आपने टेलीफोन कहाँ कहाँ देखे हैं, तो कहाँ कहाँ देखे हैं आपने टेलीफोन, टेलीफोन बूथ पर टेलीफोन, स्कूल में भी होते हैं टेलीफोन, घर पर भी टेलीफोन होते हैं, और भी बहुत सारी जगह पर टेलीफोन रखे हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ होम डू यू टॉक ऑन द टेलीफोन, टेलीफोन से आप किसके साथ बात कर सकते हैं, तो वी टॉक टू अवर फ्रेंड एंड रिलेटिव ऑन फोन, हम फोन पर सबसे बात कर सकते हैं, अपने दोस्तों से, रिलेटिव से, और भी जिससे बात करना चाहे उनसे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द टू डू यू काइंड मोर, रिटर्न अ लेटर और मेकिंग अ फोन कॉल, तो आप इन दोनों में से क्या चूज करेंगे, लेटर लिखना पसंद करेंगे या फोन कॉल करना पसंद करेंगे, तो ऑब्वियसली टॉकिंग ऑन अ टेलीफोन, टेलीफोन पे बात करना पसंद करेंगे। नेक्स्ट हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है रीना लेटर लेटर रीच्ड दिल्ली बाय ट्रेन, हाउ डू यू थिंक लेटर्स रीच्ड डिस्टेंस प्लेस व्हेन हियर वर नो ट्रेन, जिस तरह से रीना ने अपना लेटर दिल्ली पहुंचाया, सोचो अगर पहले के ज़माने में ये जो ट्रेनें वगैरह नहीं चलती थी तो हम अपना मैसेज किस तरह से कन्वे करते थे या अपने लेटर कैसे पहुँचाते थे, तो वेन देयर वर नो ट्रेन, जब ट्रेन नहीं हुआ करती थी तो हम अपने लेटर पिजन टुक द डिलीवर्ड द लेटर टू द डिस्टेंशन, पीपल टुक एंड डिलीवर्ड द लेटर टू द डिस्टेंशन, तो हम एक तो पिजन पैरोट के द्वारा, पक्षियों के द्वारा अपने लेटर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया करते थे, और जब पक्षियों के द्वारा ख़त्म हुआ तो फिर लोग क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर दूसरे का मैसेज कन्वे करते थे, तो इस तरह से हम अपने मैसेज को कन्वे किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेक अ लेटर बॉक्स एंड टेलीफोन इन योर नोटबुक, राइट देयर नेम, आपको अपनी नोटबुक में एक तो टेलीफोन की पिक्चर बनानी है और एक लेटर की पिक्चर बनानी, लेटर बॉक्स की पिक्चर बनानी है और उनका नाम लिखना है, तो हम सबसे पहले बनाएंगे लेटर बॉक्स की पिक्चर, तो ये देखिए लेटर बॉक्स है और ये इसकी पिक्चर बनाइए, इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं आप। नेक्स्ट पिक्चर बनाई है हमने टेलीफोन की, जो कि पहले के ज़माने में मतलब हुआ करते थे, तो इस तरह से आप और भी अच्छी बना सकते हैं, और यहाँ पर उसका यहाँ पर नाम लिखना है, ओके। तो ओके स्टूडेंट्स, हमने ये लेसन को रीड किया, समझा कि किस तरह से पहले के ज़माने में एक स्थान से दूसरे स्थान तक मैसेज कन्वे किए जाते थे, और ये एक्सरसाइज देखी, इस एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में राइट करना है और अच्छे से लर्न करना है, ओके, थैंक यू।